बसपा सुप्रीमो मायावती के सबसे करीबी नेता बाबू सिंह कुशवाहा आजकल पार्टी के नाम से ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। लोग इन्हें याद कर पार्टी में वापस आने का सुझाव दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले इस चेहरे का पार्टी के साथ आना फायदा दिला सकता है, यानी पार्टी को जीत की ओर ले जाने में सक्षम है। लेकिन जिस चेहरे का इतना जिक्र सुनने को मिल रहा है, आखिर इस समय उसकी इतनी चर्चाएं क्यों सुनाई दे रही हैं? आज आपसे इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। साल 2007 जब पूर्ण बहुमत के साथ बसपा ने सत्ता को हासिल किया था, उस समय इस चेहरे का पार्टी में होना और नाम काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ था। पार्टी को जीत मिलने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा को खनिज नियुक्ति सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिए गए थे। इन विभागों पर कार्यरत होकर इन्हें अच्छे से संभाला, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इन पर लगे आरोपों पर कोई इन्हें बचा न सका। तब इनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, इस्तीफा। उस समय इन्होंने इस्तीफा देना उचित समझा और ऐसा ही हुआ। पार्टी से इस्तीफे के बाद इन्होंने विपक्ष की बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को पत्र लिखकर निर्दोष साबित होने तक अपनी सदस्यता निलंबित करने का अनुरोध किया। बात अनुरोध तक नहीं थमी। कहा जाता है कि इसके लिए उन्होंने अपने दल जन अधिकार पार्टी का गठन किया, जिसका जिक्र आज होता है। आपको बता दें कि बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर तमाम बातें सामने आती हैं, जिसमें इनके संबंध नेहरू परिवार से भी अच्छे बताए जाते हैं। नतीजे एक समय में इनको इसी दल जन अधिकार पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी गठबंधन किया, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह देखने को मिली थी। अंदरूनी कलह इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले राहुल गांधी ही बाबू सिंह कुशवाहा को भ्रष्टाचारी कहकर संबोधित करते थे, तो वहीं उन्हीं के साथ गठबंधन कर बैठे, जिसके कारण पार्टी के कुछ लोग इस फैसले से नाखुश नजर आए। एक समय में बाबू सिंह कुशवाहा और मायावती में आरोप प्रत्यारोप होते रहे और दूरियां बढ़ती रहीं। बताया जाता है कि पार्टी की इसी दूरियों को जोड़ने के लिए लोग इस चेहरे को वापस देखना चाहते हैं, क्योंकि यह वही चेहरा है। एक समय में मायावती के करीबी तो थे ही, लेकिन पार्टी में दूसरे नंबर पर आने वाले दमदार चेहरे में से एक थे। वहीं काफी बातें इन्हें लेकर आज भी सामने आ रही हैं कि अगर ये चेहरा पार्टी के साथ जुड़ जाए तो पार्टी को जीत का रास्ता मिल सकता है। खैर, पार्टी इस फैसले को लेती है या नहीं, पार्टी के ऊपर है।